हेलो फ्रेंड्स, मैं शताब्दी और शताब्दी द किचन्स में आज क्या बनने वाला है ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इस वक्त रथ यात्रा चल रही है। भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोग चढ़ाया जाता है। इसी 56 भोग में से एक भोग जो है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसका नाम है मीठा डाली। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और इसके बिना पूरी में जो 56 भोग चढ़ाया जाता है तो इसके बिना असंपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि ये रेसिपी मैं कैसे बना रही हूँ। और आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल में ज़रूर जाइए और वहाँ मैंने 56 भोग मतलब कि जगन्नाथ जी के 56 भोग की कुछ रेसिपीज़ अपलोड कर रखी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे जो बेल आइकन है अगर आप क्लिक कर देंगे तो जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास चली जाएगी। तो दोस्तों, चलिए हम सब किचन में चलते हैं और देख लेते हैं 56 भोग में से ये वाली रेसिपी मैंने किस तरह से बनाई है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए चाहिए, यहाँ पर मैंने ले लिया है 4 टेबलस्पून गुड़, 2 टेबलस्पून घी, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है साबुत जीरा और मैंने 1 इंच अदरक को ग्रेट कर लिया है, मतलब नाप के हिसाब से 1 टीस्पून होगा। नमक आप अपने हिसाब से दीजिएगा। हींग लिया है 1/4 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और मैंने यहाँ पे देखिए अरहर की दाल है, इसको मैंने 4 से 5 घंटे भिगो लिया है, तो ये अच्छे से भीग गया है और इसका पानी मैंने छान के फेंक दिया है। सबसे पहले मैं अरहर दाल को एक कढ़ाई में डाल देती हूँ। 1 कप दाल थी तो इसमें मैं 4 कटोरी मतलब 4 कप पानी डालूंगी और हाई स्पीड में अब मैं ढक्कन बंद कर रही हूँ, हाई स्पीड में इसको उबलने का वेट करूंगी। तो देखिए, अब मैं देखती हूँ दाल जो है उबलने लगी है। तो यहां मैं नमक डाल दे रही हूं और हल्दी भी 1 टीस्पून डाल रही हूं। गैस का फ्लेम मैंने थोड़ा कम कर दिया है और इसको करीबन 15 मिनट तक इसी तरह से ढककर पकाऊंगी। तो 15 मिनट हो चुके हैं तो मैं देख लेती हूं। देखिए, दाल जो है 70% आराम से सीज गई है। अब इसमें मैं डालूंगी गुड़। और इसको मैं फिर से ढक दूंगी करीबन 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, देख लेती हूँ, इसको करीबन 25 मिनट और लगा है। तो देखिए, बिल्कुल दाल जो है एकदम परफेक्टली उबल गई है, बहुत अच्छे से उबली है। तो अब मैं गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर देती हूँ। मैंने एक छोटी सी कड़छी चढ़ाई है और जो घी मैंने लिया था वो डाल देती हूँ इसमें। और देखिए, ये जो हींग लिया था वो डाल रही हूँ और डालूंगी अदरक। थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करना है। अब गैस का फ्लेम जो है वो मैं बंद कर दूंगी और इसे जो मैंने बनाई है रेसिपी उसमें डालूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं मीठा दाल में ये डाल देती हूँ। देखिए, एकदम परफेक्ट बनी है। अब मैं आप लोगों को इसको सर्व करके दिखाने वाली हूँ। अब मैं सर्व कर लूंगी। फ्रेंड्स, देखिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और जगन्नाथ जी के 56 भोग में ये रेसिपी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। ये जगन्नाथ जी को बहुत पसंद थी, इसके बिना जो है भोग जो है वो संपूर्ण नहीं माना जाता है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो जरूर आप भी बनाइए और किसी भी दिन भोग लगा सकते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे लिखे बेल आइकन को अगर आप क्लिक करते हो तो मेरी जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं अब जगन्नाथ जी भगवान का एक और भोग कल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं।